बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। देखें, मिक्स वेजिटेबल के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने कैरेट ले ली और आलू ले ली, हमने शिमला मिर्च हो गई हमारे पास, ये गोभी हमने बंद गोभी ले ली, फूल गोभी जिसे कहते हैं ये हमने ले ली, और ये होगी हमारी मिक्स वेजिटेबल जो हमने अच्छे से काट लिए। और काट लेने के बाद मैंने वॉश कर दिए इसको। और ये लिए तकरीबन 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, अदरक लहसुन का पेस्ट क्योंकि मैं गोभी है तो इसमें अदरक जो है ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 चम्मच अदरक लहसुन के हो गए। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और नींबू है। ये मेरे पास प्याज है जो एक दरमियाने साइज़ के लिए मैंने। ये मसाले मेरे पास कुटी हुई मिर्ची हो गई, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाले का पाउडर हो गया, ये हो गया धनिया का पाउडर, ये साबुत धनिया है जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ऐड कर दिया मैंने, बस काफ़ी होगा मेरे लिए, हाफ कप से मैंने कम लिया तेल, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा तेल गर्म होने देती हूँ। ये मैंने ज़ीरा, तेल गर्म हो चुका है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ीरा ले लिया मैंने, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ चम्मच इतना। खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मियाँ में तो गर्मी में कुछ और भी गोश्त तो खाया नहीं जाता है, चिकन खाई जाती है और सब्जियाँ वेज सब्ज़ी भी कुछ खास नहीं आ रही। बस मैं 2-3 सब्ज़ी मैंने मिक्स करके मैंने कहते हैं आज हम वेजिटेबल बनाते हैं। तो ये है कि रोज मसाला, ये देखिए प्याज हमारी आधी कच्ची पकी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक लहसुन मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश अदरक लहसुन अच्छा लगता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप पीस के एक साथ रखें या उसके टाइम वो करें, मैं उसके टाइम बना लेती हूँ फ्रेश। ये देखें इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का, उसके बाद में कच्चा पानी इसका निकल गया। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टमाटर मैंने ऐड कर दिए, ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक तो मैंने आपको लिखा ही नहीं था, नमक अब भूल गए थे, सैड स्टोरी। अब मैं हाल अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। ये पूरा मसाला इसका रेडी करके उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, बहुत मज़ेदार बनती है। और इसमें ये मेथी ऐड करूँगी, कसूरी मेथी। ये देखें मेरे पास कसूरी मेथी है जो मैं शांति यूज़ कर रही हूँ, और इससे यह कि जायका जो है भी, और ये मेथी ऐड करने से, खुश्क मेथी ऐड करने से जायका बहुत अच्छा आता है। और आप कहेंगे कि ये मसाले में जो पहले बताते मसाले बाहर के यूज़ नहीं करती, घर के मसाले यूज़ करती हूँ, और जो भी करती हूँ वो मैं इसी शांति कंपनी के यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं करती। कोशिश मेरी यही होती है कि घर के मसालों से ही। ये देखें बस ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखें डबल तेल आ चुका है, अच्छे से भून गए। अब मैं इसमें मिक्स, इसमें ला रखा भाई, मैंने इस छन्नी के अंदर ही वॉश करके अच्छे से धो कर रखा था कि सारा पानी इसका निकल गया। अब मैं इसी पानी में ही पकाऊंगी, एक्स्ट्रा कोई पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके अपने पानी से ये अच्छी जायकेदार बनेगी। ये देखें ये मिक्स हो चुकी है बिल्कुल वेजिटेबल हमारी,
अब मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूँगी मेथी ऐड करने के बाद में। ये देखिए ये मेथी मैं इसके बाद एक चम्मच होगी जो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और आप कल्ला भल्ला करें इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ काट के, दो तीन हरी मिर्च ऐड कर दी मैंने। और माशाल्लाह शक्ल देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है माशाल्लाह। फिर इसको मैं ढक रही हूँ, ढक दिए मैंने 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ तक गल चुके हैं। मैंने पानी बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं, एक कतरा पानी ऐड नहीं किया मैंने, इसे इस पानी से गलेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपको मिक्स सब्जी गलने के बाद। बिस्मिल्लाह, देखें ये सब्ज़ी हमारी, ये देखें यहाँ तक माशाल्लाह बनाए। अब ये देखें मैंने बिल्कुल भी, आप यकीन करेंगे, एक भी मैंने कतरा पानी, ये सिर्फ अपना इसका वेजिटेबल का पानी है उसी से ये गल चुकी है तकरीबन। अब मैं इसको भूनूंगी, भूनने के बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर टेस्ट करके मैं बताऊंगी कि ये कैसी बनी है हमारी मिक्स वेजिटेबल। शक्ल से तो मुझे बड़ी प्यारी है और खूबसूरत लग रही है मम्मा की जान। मेरा शहजादा है, बोले मैं इसमें आप मेरी सब्जी मम्मा बना रही हैं, आप बताइएगा मेरी मम्मा ने कैसी वेजिटेबल बनाई है। ये देखो बस ये मैंने बिल्कुल भून चुका है, बस अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें ये सब्जी हमारी वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है। हाँ देखें मैं डिश आउट कर रही हूँ इनका, एक सेकंड। ये देखें बस हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नहीं है क्योंकि मैंने इसमें मिक्स किया, थोड़ा सा फिर भी गार्निश के लिए ऐड कर देती हूँ बस। और आपको अच्छी लगे सब्ज़ी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे अपनी अपनी जगह पर, अल्लाह आप पे ख़ास रहम और करम अदा फरमाए। इस दुआ के साथ अलविदा कहती हूँ, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।